अवैध लेन देन के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आज सुबह करीब 6 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के कई ठिकानों पर एक साथ छापमार कार्रवाई की है। कार्ति चिदम्बरम पर आरोप है कि उन्होंने पैसे लेकर चीन के नागरिकों को गलत तरीके से वीजा इश्यू करवाया था। इस मामले में सीबीआई ने नया मामला दर्ज किया है। इसी सिलसिले में कार्ति चिदम्बरम और उनके पिता पी चिदम्बरम के चेन्नई, मुंबई, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा में स्थित करीब 9 ठिकानों पर छापा मारा है। सूत्रों के मुताबिक पी चिदम्बरम के दिल्ली के जोरबाग और चेन्नई स्थित आवास पर भी सीबीआई ने छापेमारी की है। सीबीआई की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कार्ति चिदम्बरम ने ट्वीट किया, मैं गिनती भूल गया हूँ, ये कितने बार हुआ है, एक रिकॉर्ड होना चाहिए। सूत्रों की माने तो केंद्रीय जांच एजेंसी ने कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ 2010 से 2014 के बीच कथित तौर पर गलत तरीके से विदेशी फंड प्राप्त करने को लेकर एक नया मामला दर्ज किया है। एयरटेल मैक्सिस समझौते और विदेश निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा INX मीडिया को 305 करोड़ रुपए का विदेशी कोष प्राप्त करने की मंजूरी दिलाने से जुड़े कई आपराधिक मामलों में कार्ति चिदम्बरम जांच का सामना कर रहे हैं। ये विदेशी कोष उनके पिता पी चिदम्बरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान प्राप्त किया गया था। सीबीआई ने INX मीडिया के खिलाफ 15 मई 2017 को एक FIR दर्ज की थी। INX मीडिया ग्रुप पर आरोप है कि 2007 में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की मंजूरी में कई तरह की अनियमितताएं बरतकर उसने 305 करोड़ रुपए का विदेशी फंड प्राप्त किया। जब कंपनी को विदेश निवेश प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई थी, उस समय पी चिदम्बरम देश के वित्त मंत्री थे। बता दें कि फिलहाल कार्ति घर पर नहीं है, वो लंदन गए हुए हैं। कुछ ही महीनों पहले उन्हें विदेश जाने की अनुमति मिली थी।